हाय फ्रेंड्स, हमारे इस टीचिंग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको लॉन्ग गाउन की कटिंग करना बताएंगे, जिसके लिए हमने ये टाफेटा का फैब्रिक लिया है। बहुत सारी कमेंट आती हैं टाफेटा का फैब्रिक कैसा होता है, तो आप देख लीजिए टाफेटा का फैब्रिक इस तरीके का होता है। ये थोड़ा सा मोटा होता है और इसकी लेंथ होती है वो 60 इंच की होती है, यानी कि जो पना होता है। तो हमने लिया है 3 मीटर, हमने लिया है ये टाफेटा का फैब्रिक, और 3 मीटर ही हमने इसके लिए अस्तर लिया है, यानी कि लाइनिंग। इसी कपड़े से हम आपको फुल लंबाई का गाउन बताएंगे। तो ये अस्तर है, ये भी 3 मीटर ही है, इसका पना भी 60 इंच का ही है, मतलब सेम है दोनों का पना। तो सबसे पहले हम अपने इस कपड़े में से टॉप पार्ट के लिए कपड़ा अलग कर लेंगे। तो ये अस्तर को साइड में कर देते हैं और इस कपड़े को खोलते हैं, और इस कपड़े को खोलने के बाद हम इसमें से गाउन के लिए, अपनी चोली के लिए कपड़ा निकालेंगे। तो देखिए आप पना देख सकती हैं, इसका काफ़ी बड़ा पना है इसका, जिसमें से हमारे नीचे मोड़ने के लिए भी करीबन 5-5 इंच कपड़ा हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा गाउन है, इसका पना भी 60 इंच का ही था। ये देखिए ये बहुत ही प्यारा हमारा गाउन है। तो आप देख सकती हैं कि हम इसी की लंबाई के हिसाब से इसको बनाएंगे। इसको हमने काफ़ी अच्छा नीचे से मोड़ रखा है, तो आप देख सकती हैं। अभी हम क्या करेंगे कि इसी के लेंथ के अकॉर्डिंग हम अपने इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इसको साइड में हटा देते हैं, और ये जो हमारा नेट है इसके नीचे हमने साटन की लाइनिंग यूज़ की है। इसका वीडियो भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, आप देख लीजिए। तो सबसे पहले कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करेंगे, ये देखिए, और फिर 4 फोल्ड में करके कटिंग कर लेंगे। तो देखिए टॉप पार्ट के लिए कपड़ा हमने अलग कर लिया है अपने 3 मीटर कपड़े में से। अभी हम क्या करेंगे कि अब इसको जितना हमें चाहिए उतना लेने के बाद हम बाकी के कपड़े को साइड में बचा देंगे। तो सबसे पहले हम इसे ऐसे फोल्ड कर लेंगे 4 तह में, ठीक है। अब यहाँ से हम चौड़ाई लेंगे करीबन 11.5 इंच के बराबर, बाकी के कपड़े को हम गले वगैरह में यूज़ करने के लिए बचा देंगे। तो उसको हम कटिंग कर देते हैं। अब ये कटिंग हो गया, अब हम फिर से इसको 4 तह में बिछाएंगे, जिससे हमारे बैक और फ्रंट पार्ट एक साथ निकल जाएं। अभी हम क्या करेंगे कि अभी हम इसमें से अपना गला निकालेंगे, आर्म होल निकालेंगे और बॉट नेक बनाएंगे। तो पहले आर्म होल ही निकाल लेते हैं। तो हम जो आर्म होल की लेंथ है वो हम ले रहे हैं 7 इंच पे, तीरा हमने 7 इंच पे लिया है, आर्म होल हम लेंगे 7 इंच पे ही। अगर आप इसे हेल्दी लेडीज़ का बना रहे हो तो 7 इंच पे, 7.5 पे लें। तो यहाँ से हम इसको इस तरीके से मिलाएंगे, और छाती का चौथा हिस्सा 2 इंच मार्जिन, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आता है 9 इंच। 36 की वेस्ट के अकॉर्डिंग बना रहे हैं हम इसको, और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन तो हो गया हमारा 11 इंच। और तो यहाँ से हमारी जो कमर है वो है 27 इंच, 27 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 7 इंच। 7 में हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और 1 इंच प्लेट के लिए लेंगे, जो हम प्लेट डालेंगे, आधा इंच सिलाई के लिए लेंगे। टोटल हमने 10.5 इंच कपड़ा नीचे से लिया है और 11 इंच कपड़ा हमने ऊपर से लिया है। इस तरीके से हम गोलाई दे देंगे इसमें बैक पार्ट में, और फ्रंट पार्ट के लिए हमने एक्स्ट्रा गोलाई दे दी है 1 इंच पे। 1/2 इंच का तीरा डाउन करेंगे आर्म होल वाली साइड से, गले की जो बॉट नेक की चौड़ाई होगी वो 4 इंच पे होगी, और जो लंबाई होगी वो हमारी 3.5 इंच पे होगी। एक बॉक्स बना के बॉट नेक की शेप दे लेंगे, लेकिन गले को हम बुकरम पे बनाएंगे, हम आपको सिर्फ कपड़े में बता रहे हैं। इस तरीके से यहाँ से बॉट नेक की शेप दे देंगे ऐसे हल्की सी, ये मतलब गोल नहीं होती बिल्कुल प्रॉपर, हल्की सी इसकी जो शेप होती है वो तिरछी होती है। अब हम क्या करेंगे इसकी कटिंग कर देंगे, कटिंग कर दिए, तीरे को डाउन कर देंगे, बैक और फ्रंट पार्ट को अपने को अलग अलग कर लेंगे। अस्तर भी इनका सेम ही कटिंग करना होगा हमें, जैसे हमने किया है अस्तर भी सेम कटिंग करना है। ये अस्तर है, इस पर भी कटिंग कर लेते हैं ऐसे ही इसी पार्ट को रख के। तो एक पार्ट को निकाल के फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए फ्रंट आर्म होल की और बैक की हमने कटिंग कर दी है अच्छे से। अभी हमारा जो बाकी का फैब्रिक बचा है आपके सामने, इसको हम ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए डबल फोल्ड किया। अभी हम क्या करेंगे कि अपना जो ये टॉप पार्ट है इसकी हमने आपको लंबाई नहीं बताई थी, तो हमें देखिए जैसे ये 15 इंच का तैयार करना है अपना टॉप पार्ट, जिसमें हमने सिर्फ 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। टोटल हमने इसको 16 इंच का कटिंग किया है। अभी हम क्या करेंगे इसको खोलेंगे और ऐसे एक कोना उठा के ऐसे तिकोना मिलाएंगे, देखिए ऐसे मिला के और अच्छे से बराबर कर देंगे इसको।
ये हमने अच्छे से बराबर कर दिया है। एक भी सलवट नहीं होनी चाहिए कपड़े के अंदर, बिल्कुल कपड़ा अच्छे से सेट होना चाहिए आपका इस तरीके से। अभी क्या करेंगे, टॉप पार्ट उठाएंगे अपना, टॉप पार्ट को फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इसके कमर वाला हिस्सा नापेंगे। तो जैसे 9 इंच पे हमारी फिटिंग होगी, ठीक है, तो हम यहाँ से निशान लगाएंगे। तो प्लेट हमारी इतने कपड़े की डल जाएंगी, सॉरी, फिटिंग हमारी 14 इंच पे होगी, ऊपर की फिटिंग होगी हमारी 9 पे। तो ये हमने 1 इंच कपड़ा छोड़ दिया है अपनी प्लेट के लिए, जिसमें हमारी प्लेट आएगी, तो उसको आपको इसमें नहीं काउंट करना है। 1 इंच कपड़ा छोड़ के तब आपको कमर वाला हिस्सा नापना है। अब 11 इंच पे हमारा ये प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि हम 1 इंच कपड़ा इसमें इसलिए नहीं जोड़ रहे हैं क्योंकि उसकी तो प्लेट डल जाएंगी, तो वो तो नहीं आएगा इसमें, तो इसलिए हम उसको काउंट नहीं करेंगे। और देखिए, जैसे हमारी इसकी जो लंबाई होगी वो हमारी होगी 40 इंच पे, ठीक है। तो हम 40 इंच पे रखने के बाद और ऐसे पूरे में, और हमारा करीबन इसमें जो फालतू कपड़ा है वो है 6 इंच, जिसको हम ऐसे मोड़ने के लिए लेंगे। तो हम पहले एक निशान 40 पे लगाएंगे, फिर ऐसे ही हम, अब यहाँ से हमारा जो ये पूरा बैठ रहा है वो 43 इंच बैठ रहा है, तो हम ऐसे इंच टेप को रखते हुए 43 इंच पे निशान लगा लेंगे ऐसे। और कहीं से भी निशान आपका कम या ज़्यादा पे नहीं होना चाहिए। तो अभी देखिए, हमने प्रॉपर कमर का और इसका नीचे से अच्छे से लगा दिया है, आप देख सकती हैं। अभी इसकी सेम कटिंग कर लेंगे। अब हम इसको और इसको पूरा नाप के देख लेते हैं। हम यहाँ से रखेंगे इसको और पूरा नाप के देख लेते हैं कि अब ये हमारा गाउन कितने इंच का है, वो हम आपको पूरा दिखाते हैं। तो आप देख सकती हैं कि ये हमारा जो गाउन है वो हमारा मतलब 56-57 इंच का बैठ रहा है। और हम यहाँ से एक निशान ड्रॉ कर लेंगे पूरे में। इसका हमने फाइनल लुक दिखाया है कि कैसा ये बनने के बाद में आएगा। अभी हम इसको भी कटिंग कर देंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक को। तो दो लाइन हमने बना ली हैं, एक हमारी फोल्ड होगी और एक हमारी, आपको यहाँ से कटिंग नहीं करना है, आपको नीचे वाले पार्ट से कटिंग करना है, जो हमारा नीचे वाला पार्ट है यहाँ से, क्योंकि ये तो होगा हमारा तैयार नाप। और जो हमने एक और लाइन लगाई है इसको हम इसके ऊपर फोल्ड करेंगे। तो आप इस तरीके से निशान लगा के करोगी तो आपका जो गाउन है वो कभी भी ऊंचा नीचा नहीं होगा। तो इस तरीके से देखिए, हमने इसको कर लिया है कटिंग। अभी हम करते हैं कमर की कटिंग। अभी हमारे पास आ गए हैं दो पार्ट। अब जो ये कपड़ा निकला है इसमें से हम अपनी बाजू वगैरह या फिर बाजू इसमें से निकाल लेंगे, क्योंकि अभी ये हमारा ये भी बाकी है। तो इसमें से हम हाफ बाजू बना रहे हैं, तो यहाँ से इस तरीके से रख लेंगे इसको। और बाजू की जो चौड़ाई होगी वो 9 इंच पे ले रहे हैं और लंबाई हम इसकी 6 इंच ले रहे हैं मार्जिन समेत। तो मोड़ देंगे 2 इंच और 3 इंच पे खुली वाली साइड से, और इस तरीके से शेप देके और इसकी कटिंग कर देंगे हाफ बाजू की। ये किनारे वाला पार्ट निकाल देंगे, 6 इंच तैयार है, जिसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेके इसकी कटिंग कर देते हैं। ये मार्जिन समेत ले लिया है हमने पूरा, ये किनारे वाली साइड से भी कटिंग कर देंगे। तो ये हमारे पास दो बाजू आ गई हैं, इनके फ्रंट में शेप दे लेंगे 1/2 इंच की। और अभी अस्तर को भी सेम कटिंग करना है। ये हमने जैसे अपना एक घेरा कट किया है, इसी को उठा के इसके ऊपर रख देंगे। और जैसे हमने अपने मेन फैब्रिक को, यानी कि टाफेटा के फैब्रिक को बिछाया था फर्स्ट में, ऐसे ही हमने इसको बिछा लिया एक कोना उठा के तिकोना। अभी देखिए, हमने इनकी कटिंग कर दी है, आप देख सकती हैं दोनों की कटिंग कर दी है। सिलाई का वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, क्योंकि हमने बहुत सारे गाउन अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं सिलाई के, तो आप ज़रूर देखना। हम इसका फाइनल लुक आपको दिखाते हैं किस तरीके से बनने के बाद में आया है। तो देखिए, ये इसका फाइनल लुक है, बनने के बाद में इस तरीके से आया है। हमने इसमें पैच वर्क का यूज़ किया है गले पे और बॉट नेक बनाया है, और घेरा इसका काफ़ी अच्छा आया है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा कटिंग का तरीका अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।